वर्ल्ड कवरेज के नंबर वन शो में एक बार फिर आपका स्वागत है, जहां आज बात एक बार फिर से युद्ध के बीच बिगड़ते हालात को लेकर और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में अब एटमी खतरे की चर्चा जिस तरीके से हो रही है, इस बीच रूसी मीडिया के एक दावे से मच गया है हड़कंप। क्या यूक्रेन में न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है? पूरी खबर आपको हम बताएंगे, साथ ही बात होगी वर्ल्ड वाइड टेंशन की। जी हाँ, आखिर क्यों पूरी दुनिया डरी हुई है? क्या हम न्यूक्लियर के नए युग में आ गए? थर्ड एज जिसका जिक्र हो रहा है वो आखिर क्या है? एक ऐसा दौर जहां हर कदम तबाही की दस्तक हो सकता है, किसी भी वक्त पलक झपकते ही खौफनाक बर्बादी होगी, ऐसा आखिर क्यों कहा जा रहा है? जी हाँ, और पुतिन का आखिर सीक्रेट प्लान है क्या, ये भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले यूक्रेन के वॉर जोन से जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करते हैं। और वॉर जोन से बड़ी खबर आ रही है, रूसी सैन्य काफले पर यूक्रेन की तरफ से बड़ा हमला किया गया। यूक्रेन ने हाईमार्स से जोरदार अटैक किया है, लुहांस्क इलाके में रूसी सैन्य काफले को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की तरफ से बड़ा रशियन फोर्सेस पर हमला किया गया, यूक्रेन ने हाईमार्स से, ये देखिए हमला किया है। जो सैन्य काफला है, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां आपको इसमें नजर आ रही है, इसको टारगेट पर लिया गया। लुहांस्क इलाके में एक बार फिर से अपनी पकड़ को लुहांस्क में मजबूत करने के लिए यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा है। यह आपको बता दें कि लुहांस, डोनेस, ज़ापोरिज़्या, खेरसन, यहां पर कब्जा किया जा चुका है रशिया की तरफ से, लेकिन एक बार फिर से यहां इन तमाम इलाकों को वापस पाने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से, और उसी कोशिश में हाईमार्स से यह बड़ा हमला बोला गया है। वॉर जोन की यह बड़ी खबर और ताजा तस्वीरें।